लंबे इंतजार के बाद साल 2019 में प्रियंका गांधी जब सक्रिय राजनीति में आई, तभी से उनके चुनाव लड़ने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। कभी उनके लिए उत्तर प्रदेश की परंपरागत अमेठी सीट, तो कभी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट, तो कभी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के दावे किए जाने लगे, लेकिन वह कभी भी चुनावी समर में नहीं उतरी। हालांकि अब पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड सीट से उपचुनाव में उतारने का ऐलान कर दिया है। चूंकि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में दो सीटों से केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली से चुनाव लड़ा था, दोनों ही सीटों में जीत के बाद राहुल गांधी ने सोमवार की बैठक में वायनाड सीट छोड़ने का निर्णय लिया है। अब इस सीट से प्रियंका गांधी अपनी राजनीतिक पारी का डेब्यू करने जा रही हैं। अब तक खुद को चुनाव प्रचार तक सीमित रखने वाली प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगी। प्रियंका अब अगर अपनी पहली चुनावी बाधा को पार कर लेती हैं, तो संसदीय इतिहास में यह ऐतिहासिक क्षण होगा। यदि प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीत लेती हैं, तो यह पहली बार होगा जब गांधी नेहरू परिवार से माँ, बेटा और बेटी एक साथ संसद में होंगे। सोनिया गांधी इस समय राज्यसभा सांसद है, वहीं राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे हैं। वहीं अब प्रियंका गांधी की नई राजनीतिक पारी को लेकर विपक्ष भी हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माता जी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही, परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई। राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि दो सीट से लड़ेंगे, वहां पर लेफ्ट के ही लोग कहते रहे, एनी राजा कहती रही कि ये तो पलायन कर जाएंगे चुनाव के बाद, और पलायन कर गए। तो ये लेफ्ट के और केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये इसका भी एक परिचायक है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।